मध्य प्रदेश में पीएमटी और व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले ग्वालियर के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी की जान खतरे में पड़ गई है। पीएमटी कांड के आरोपी अरुण यादव ने जान से मारने की उन्हें धमकी दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी नाका चंद्रबदनी में रहने वाले आशीष चतुर्वेदी को दर्जनों बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। दरअसल पीएमटी और व्यापम घोटाले को उजागर करने में आशीष की सबसे अहम भूमिका रही है। खुलासे के बाद से 500 से ज्यादा दलाल मुन्ना भाई और उनके परिजन सलाखों के पीछे हैं। मेडिकल कॉलेज में मुझे फर्जी छात्र अरुण यादव जो कि फरार चल रहा है एसआईटी के रिकॉर्ड में, 15,000 का इनाम भी है उस पर, वो मेडिकल कॉलेज में मुझे मिला। उसने मेरा रास्ता रोककर मुझे जान से मारने की धमकी दी। जिस पूरी घटना की जानकारी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने थाना झांसी रोड पहुंचा, तो थाना झांसी रोड टीआई साहब द्वारा मुझे लगभग एक घंटे तक बिठाए रखा, मुझे परेशान किया गया। अंत में मेरे साथ अभद्रता की गई, मुझे वहां से धुतकार कर भगा दिया गया। बोले